पाकिस्तान की अफगानिस्तान के हाथों हिस्टोरिकल और बदतरीन शिकस्त के बाद इस वक्त पाकिस्तान टीम जो है वो वापसी का रुख कर चुकी है, लेकिन इस हार पर बहुत ही बड़े बड़े सवालात उठ चुके हैं। और आपको बताते चले कि एक पाकिस्तान के एक ऐसे क्रिकेटर की बात कर रहे हैं जिसने इस सारी हार की शिकस्त की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है और एक बड़ा ट्वीट किया है। बात कर रहे हैं हम इस वक्त मोहम्मद हारिस, जो कि बहुत ही टैलेंटेड T20 प्लेयर हैं और उभरते हुए सितारे हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैं माजरत करता हूँ पूरी नेशन से, पाकिस्तानी क्रिकेट के फैन से, शायकीन से, कि मैंने अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अपनी टीम के लिए कुछ कर ना सका। मैं बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका जिस तरह से मुझसे उम्मीद की जा रही थी। मैं गुड स्टार्ट ना दे सका अपनी टीम को और तीनों मैचेस में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। मैं इस चीज के लिए पूरी जनाब पाकिस्तान की नेशन से, शायकीन क्रिकेट से माजरत खा हूं और उम्मीद करता हूं कि मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और मैं इस चीज पर पूरी मेहनत करूंगा कि मैं बेहतरीन तरीके से कम बैक करूं और अपनी बेहतरीन तरीके से जो परफॉर्मेंस है उसके जरिए पाकिस्तान टीम के लिए फतुहात जो है समेट कर दे सकूं फ्यूचर में। ऐसा कहना था मोहम्मद हारिस का और ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई टीम प्लेयर ने ना के कैप्टन ने, शादाब खान की बात हम कर रहे हैं कि शादाब खान का कोई ट्वीट नहीं आया, शादाब खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है जब कोई प्लेयर उठकर आगे आए और आगे बढ़कर अपने कंधों पर जिम्मेदारी जो है वो फील करे और कहे कि मेरी गलती है और अपनी गलती को माने। बहुत ही अच्छा सिग्नेचर इस वक्त मोहम्मद हारिस की तरफ से, जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़कर अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली और इस चीज को माना कि मेरी परफॉर्मेंस नहीं हुई, मेरी वजह से पाकिस्तान टीम जो है बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस ना दिखा सकी, शायद मैं कुछ कंट्रीब्यूशन करता तो पाकिस्तान टीम के रिजल्ट जो है एंड रिजल्ट वो डिफरेंट होते, ऐसा कहना था मोहम्मद हारिस का। तो ये एक बड़ा अच्छा इस वक्त शोकास किया गया है इस वक्त मोहम्मद हारिस की तरफ से और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक अच्छे T20 प्लेयर है और उनकी इस जो काविश है उसको काफी ज्यादा सराहा जा रहा है और पॉजिटिव नोट पर लिया जा रहा है। क्योंकि अगर आप गलती मानते हैं, अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि वाकई मेरे से परफॉर्मेंस हुई नहीं है, वहां पर जो भी कंडीशंस थी किसी चीज का उन्होंने जिक्र नहीं किया और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस का जिक्र किया कि मेरी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी और मैं उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर में मैं उसको बेहतर करूंगा और बेहतरीन तरीके से कमबैक करूंगा। और हमने भी अपनी वीडियोस में बारहा इस बात का बहुत ही बेहतरीन तरीके से अजाला किया है कि मोहम्मद हारिस को अपना गेम प्लान चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अगर जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो मोहम्मद हारिस को सिंगल डबल पर जाना पड़ेगा और यह चीज आहिस्ता आहिस्ता सीखने को मिलेगी। क्योंकि आप जब एक ही तरह से क्रिकेट खेलते हैं तो डेफिनेटली आप फ्लॉप भी होते हैं, लेकिन कई दफा आपको कंडीशंस को देखकर अपने गेम प्लान को चेंज करना पड़ता है और शायद इस चीज का इस वक्त मोहम्मद हारिस को अंदाजा हो चुका है और उन्होंने माफी मांगी सरेआम, ट्वीट किया और पूरी कौम से माजरत की और उम्मीद की कि वो फ्यूचर में अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। तो बहुत ही अच्छा साइन इस वक्त मोहम्मद हारिस के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तान नेशन के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मोहम्मद हारिस के इस ट्वीट को रीट्वीट करें जाकर, और साथ साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मोहम्मद हारिस का ये ट्वीट। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप सब लोगों तक पहुंचती रहें।